नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड प्रीमियर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी एफ न्यूज चैनल। आज हम लोग कुमारडुबी में हैं और हमारे साथ इस इलाके के एक सोशल एक्टिविटीज जो बहुत जानी पहची चर्चित चेहरा है मधु सिंह जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी में, इलेक्शन की तैयारी में वो किस कदर मसरूफ है और यहाँ पे इलेक्शन की तैयारी किस तरह चल रही है। नमस्कार मैडम, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। आपके इलाके में 16 तारीख को इलेक्शन है, कैसी गतिविधियाँ तैयारी कैसे चल रही है? गतिविधियाँ तो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जितने लोग हैं इस क्षेत्र में कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, ये गतिविधियाँ नहीं होती है। गतिविधियाँ ये हैं कि वो जीत के क्या प्लान करते हैं कि हम समाज को क्या देंगे, इस विधानसभा को कैसे अच्छा बनाएं और कैसा साफ सुथरा और रोजगार देने लायक इस क्षेत्र को कैसे बनाएं, वो उनका क्या इरादा है, इस पे हम सोच सकते हैं। झारखंड में हम लोग देखते हैं कि झारखंड बनने के बाद जितना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, कहाँ चूक हो गई? चूक यहाँ हो गई है कि पहली बात कि जो हमारे नेता बनते हैं उनको एजुकेशन के अंडरलाइन नहीं किया, एजुकेशन में अंडरलाइन नहीं किया गया है, उनका कुछ प्लान नहीं होता है। उनका प्लान ये होता है कि हम चुने जाएंगे तो हम आज जो गरीब लोग थे, आज गरीब जो नेता बनते हैं और एक बैग 5 साल के अंदर करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं, ये क्या समाज सेवा है? और यहीं पे हम चूक गए क्योंकि उनके पास मास्टर प्लान कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। मास्टर प्लान तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप नेता बनने से पहले जो थे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, बस वही काम करने का इरादा होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भूल जाते हैं। और इसका वजह ये है कि बस वो अपना निरसा की हम लोग बात करें, आप लोग क्या लगता है निरसा में क्या चीज़ होना चाहिए? यहाँ पे हेल्थ का क्या सेक्शन है और एजुकेशन की अगर बात करते हैं, पहले हेल्थ की बात करते हैं, क्या यहाँ हॉस्पिटल वगैरह है? नहीं है, हेल्थ का तो स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन मीटिंग में भी आज तक यहाँ के जो सरकारी डॉक्टर हैं ये 3-4 साल में हम देखे हैं कि 2 बार मात्र आए हैं अब, और इस एरिया में एक डॉक्टर है, क्या इतना ही जनसंख्या है जिसमें एक डॉक्टर फेस कर पाए? और दूसरी बात है एजुकेशन का, सरकारी स्कूल का जो दुर्दशा है ना, अच्छा कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर क्यों ऐसा स्थिति है? खर्च तो पूरा का पूरा हो रहा है खर्च, लेकिन कहाँ गायब हो जा रहा है? हम लोग स्कूल गए तो बच्चों ने कहा कि हम लोग तो आते हैं लेकिन टीचर नहीं है। बिल्कुल सही है, और टीचर को ABCD का भी ज्ञान होना चाहिए। टीचर माने माँ बाप के बाद यदि किसी को हम सम्मान देते हैं हिंदुस्तान में तो वो टीचर है, लेकिन बहुत बुरा स्थिति है, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। और इस पे कड़ाई क्यों नहीं किया जाता है कि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का संस्था ज़्यादा खुल गया है, स्कूल लगन है, स्कूल कब कहाँ टूट जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, टीचर के नाम पे कुछ नहीं है, स्टूडेंट भी वैसे ही गायब हैं, पढ़ाई नहीं होगी तो स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन बस चुनाव आया है तो कहीं देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पब्लिक को मूर्ख बनाने वाला काम उचित नहीं है। कुमारडुबी भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक बाजार है जो सारे लोग आते हैं, बंगाल के भी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो हम लोग देख रहे हैं 10-20 साल से उसका कंडीशन वही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। अब बताइए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए, बाजार समिति है, उसके पास प्लान है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से कड़ाई कम है कि हर लोग लूटपाट में लगे हुए हैं कि आप थोड़ा दे दो, उनको थोड़ा दे दो, उनको थोड़ा दे दो। आखिर क्यों? पब्लिक ही पिस रहा है और पब्लिक से ही आप वोट चाह रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब नोटा दबाने लगेंगे पब्लिक तो आप कहाँ जाइएगा? आप सोचिए कितना दुर्दशा हो जाएगा, माने जब ये नोटा पे जागरूकता आ जाएगी तो फिर कहीं के लोग नहीं रहेंगे, फिर नेतागिरी ही फेल हो जाएगी। तो ये समझते नहीं हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ 2-2 नल है वो बेकार है, शौचालय है वो बेकार है, रोड तो गली का रूप ले लिया है, और यहाँ ठेला पे ना जाने कितना ठेला लगा हुआ है। आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि इतना योजना है, नहीं वो लोग कहते हैं कि गरीब लोग हैं रोजगार करें, उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने की बात होती है, हम जानते हैं वो चोरी डकैती नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं। हम कहते हैं विधवा पेंशन
वृद्धा पेंशन, उज्ज्वला योजना, और क्या है, इतना दुनिया भर का योजना है, उसमें इन लोगों का ठेला योजना है। इन लोग यदि यहाँ पे एक बाजार का प्लान कर दें तो कोई ठेला रोड पे नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसा दिमाग वाला काम तो है नहीं कि नहीं हो पा रहा है। एक कंस्ट्रक्शन वाला आ जाए तो टोटल काम हो सकता है। मैंने आपको कहने का मतलब कि जो पॉलिटिशियन है इस इशू को सेंसिटिव नहीं है, गहराई से नहीं सोचे। गहराई से सोचे ही नहीं, सोचने का तो सवाल ही नहीं है। सोचते तो होता क्यों नहीं ये पहले। और हम यदि रखते हैं तो कहते हैं आप मॉल बनाना चाहते हैं। अरे हम इतना मूर्ख हैं कि बाजार में पंचायत के अंदर बाजार है और हम मॉल बनाने की बात करें। ये ठेला वाले के लिए योजना क्यों नहीं है? एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर बना दे और इनको छोटा छोटा प्लॉट दे दे तो क्या ये विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, क्या ये तो वृद्धा पेंशन देते उससे कमाई उनका नहीं होता? विधवा पेंशन से उनका कमाई नहीं होता? आप पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। आप इनको योजना के तहत डाल दीजिए, इनका रोजगार होगा, उस आपसे वो कोई पेंशन नहीं लेंगे। आप उनके बच्चे को ठेला दे रहे हैं, उनको एक छोटा सा जगह दे दीजिए ताकि वो उसी जगह में वो काम करे और अपना भी घर चलाए, तो ये तो होता नहीं है। एज ए सिटीजन, एज ए वोटर, आपका विधायक कैसा होना चाहिए? देखिए विधायक दिमाग वाला होना चाहिए, सीधा भाषा में, ये नहीं करे और जो छल ना करे, पब्लिक से वोट ले और रात में जाके पैसा ना बांटे। पैसा बांटे हम वो चाहते हैं। उनको इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ काम करते हैं हमको पब्लिक सपोर्ट करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, हम एक आपसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे वोटर हैं, जो हम लोग जैसे जो आम आदमी, जो उनको पैसा देता है, कृपया आप यदि 500 रुपया भी एक दिन लेते हैं, मैक्सिमम 2000 रुपया देते होंगे, लेकिन आप जरूर सोचिए कि 2000 आपका कितना दिन चलेगा। आपको तबाह करने का ये 2000 रुपया या 500 रुपया ये दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना, आखिर वो 2000 रुपया आप ही से लेके दे रहे हैं, दूसरे से लेके नहीं दे रहे हैं, आप ही से ले रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। आप खुश हो जाते हैं उस 2000 में, आपका एक सप्ताह भी नहीं चलेगा और आपका 5 साल बर्बाद करते हैं। ये ऐसा आप क्यों नहीं सोचते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो वोटर, हमारे जैसे जो सोचने वाले हैं, वो पैसा, आप समझते हैं, आपका ईमान, धर्म दोनों खरीद रहे हैं, 200 रुपये में, 400 रुपये में और 500 रुपये में। आप ऐसा ना करें, हम आपसे आग्रह करते हैं। आप सोचिए कि कौन लोग हैं जो आपका काम कर सकते हैं, आपका घर का काम नहीं, बिल्कुल ये सोचिए, घर का काम नहीं, घर का प्रॉब्लम अलग होता है, हमारे समाज का जो है, जो सार्वजनिक जो काम है उस पर हमारा जो भी विधायक ध्यान देगा, हम लोग उसके साथ। हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी में वोटर एक बहुत बड़ा ताकत होता है, वोट को बहुत ताकत बताई गई है, लेकिन इलेक्शन के दिन में बहुत सारे लोग सोके रहते हैं, दूसरी जगह काम करते, वोट नहीं डालते, ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? आप परेशान मत होइए, हम वोटर से यही आग्रह करते हैं जो हमारे जैसे लोग हैं, आप वोट देने जरूर निकलिए। आप ये ना सोचिए कि जिसको भी देते हैं सब तो वही करते हैं, लेकिन मिलके हम तंग भी उन्हीं को करेंगे जिनको कि वोट देंगे और जिताएंगे। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारे विधायक को सोने नहीं देंगे। हम इकट्ठा होंगे तभी वो जगेंगे और हमारा वो काम करेंगे, चाहे जो भी विधायक हो। हम इतना जागरूक हो ही सकते हैं, वोट तो जरूर ही दें, क्योंकि पता भी उनको चले कि हम वोट दिए हैं तो काम तो हमारे पब्लिक के लिए, आप हमारे सेवक हैं तो आपको हमारा काम करना ही पड़ेगा, घर का नहीं, सार्वजनिक। आप जब वोट देने जाओगे आपके माइंड में लास्ट 3 बातें क्या चीज रहेगी, क्या चीज देके वोट दोगे? देखिए सांसद अलग बात होता है, विधायक, हम यही चाहेंगे कि ये जो हमारा बाजार है इसमें कचरा प्रबंधन से लेके रोड और पूरे बाजार का व्यवस्था, जो हमारे ठेला वालों के लिए भी बहुत जरूरी है, सबको व्यवस्था दे, हम उसी को वोट देना चाहें जो इस बात को रखे। लास्ट में क्वेश्चन आपसे मैडम कि हमारी जो न्यू जनरेशन है जो मोबाइल में बहुत ज़्यादा उलझ गई है, अपने टाइम को बर्बाद कर रही है, उसके लिए क्या मैसेज है? देखिए ये आप सवाल ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम खेलने कूदने सब कुछ का समय हमारा मोबाइल बहुत बर्बाद कर रहा है, जितना हमारा फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, हमारे बच्चों को उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कृपया उनके, हम माता पिता से आग्रह करेंगे कि वो अपने बच्चों को अपना टीवी देखने का टाइम वो नशा बंद करे, तब अपने बच्चों को ध्यान दे कि
कि बच्चे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे ध्यान दें, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य उसी पे आधारित है और आपका भविष्य उसके भविष्य पे आधारित है। आप ये ना सोचिए जब आप बुजुर्ग होंगे, आपने संस्कार नहीं दिया है तो वो आपको झेलना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए, और संस्कार देने के लिए मोबाइल जरूरी नहीं होता है। घर परिवार, पेरेंट्स, माता पिता, माता पिता के माता पिता, सबको सम्मान देने के लिए तो मोबाइल का भी जरूरत नहीं है, टीवी का जरूरत नहीं है। हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे घर का प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। आप तो बहुत दिनों से वोट दे रहे हैं, जो इस बार जो नए वोटर है इनका 18 साल उम्र हुआ है, पहला बार वो वोट देंगे, उसके लिए क्या मैसेज? आप वोट देने तो जरूर जाएं, एक शौकिया तौर पे नहीं, आप इसलिए भी वोट देने जाएं कि हमारे विधायक यदि जो भी जीत के आते हैं, यदि एक्चुअल में वो हमारे विधानसभा के लिए काम में आनाकानी करते हैं, तो हम संगठित होके उनके पास जाएं और एकमुश्त होके उन पे दबाव डाल सकते हैं। जब हम वोट देंगे तो दबाव डाल सकते हैं कि आपको ये काम करना ही होगा, और वो यहाँ से लेके दिल्ली तक हमारी आवाज़ बन के रहेंगे। हमारे नए जनरेशन वाले जो वोट देने जाना चाहते हैं, वोट देंगे और बहुत खुश होंगे, लेकिन वो जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार के बीच में हम फंसे हैं, उनको भी पता है। हर जगह एक एक जगह भ्रष्टाचार है, और आप उसी आदमी को वोट दीजिए जो दूर तक सोचता हो, और भ्रष्टाचार पे जरूर अंकुश लगाने, हमारे क्षेत्र के लिए अंकुश लगाने का सोचता हो, तभी वो काम हो सकता है। जब आप वोट देने जाइएगा तभी, ऐसे नहीं कि आप घर में गालियां दें नेताओं को, वो काम नहीं हो सकता है। आप वोट दें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, जो भ्रष्टाचार और आपके लिए आप देश के धरोहर हो, देश में ईमानदारी ला सकते हैं आप अपने जिद से, अपने वोट से, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें।